हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विनोद जांगड़ा एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ। प्रिय दाथियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा ये हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का जो चैप्टर जो कंटिन्यू चल रहा है। हाइड्रोलिक पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, न्यूमेटिक से भी आपको समझाने के लिए विद इन प्रैक्टिकल आपको बताया गया है कि ये न्यूमेटिक होता है और ये हाइड्रोलिक होता है। आज उन दोनों चैप्टरों को कंबाइंड कर आपको बताया जा रहा है कि भी हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक में विशेष अंतर क्या रहेंगे। तो टॉपिक का नाम भी देखिए, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक में विशेष अंतर। तो हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक के अंदर जो डिफरेंस क्या रहेंगे वो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक जो होते हैं उनके मैंने 25 अंतर आपके जितने भी क्वेश्चन जो थे उसमें से सारे मैंने निकाल के उसमें से अंतर जो बनाए हुए हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे और वीडियो के अंत के अंदर आपको दिखाएंगे कि भी हाइड्रोलिक सिस्टम ये होता है और न्यूमेटिक सिस्टम ये होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक में विशेष अंतर क्या रहेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अंतर नंबर फर्स्ट, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल या पानी का प्रयोग किया जाता है और न्यूमेटिक सिस्टम में गैस, हवा या वायु का प्रयोग किया जाता है। तो अंतर नंबर टू, हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर कंप्रेसर की आवश्यकता नहीं होती है और न्यूमेटिक जो सिस्टम है उसमें एयर कंप्रेसर की आवश्यकता होती है और न्यूमेटिक सिस्टम है वो एयर कंप्रेसर से ही चलाया जाता है। अंतर नंबर थ्री, हाइड्रोलिक सिस्टम सबसे अधिक प्रयोग एग्रीकल्चर सिस्टम में किया जाता है जैसे लिफ्ट सिस्टम, जेसीबी, जैक आदि में, और न्यूमेटिक जो सिस्टम है वो सबसे अधिक पावर ब्रेक सिस्टम या ऑटोमोबाइल सिस्टम में किया जाता है जैसे ट्रेन, बस, ट्रक ब्रेक सिस्टम, पैकिंग सिस्टम, कुरकुरे चिप्स इत्यादि में न्यूमेटिक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अंतर नंबर फोर, हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल को समय समय पर बदलना बहुत ही जरूरी होता है, न्यूमेटिक सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, इसमें एयर कंप्रेसर का ही प्रयोग किया जाता है। अंतर नंबर फाइव, हाइड्रोलिक सिस्टम में तरल यानी लिक्विड की सहायता से पावर को ट्रांसमिटेड किया जाता है और न्यूमेटिक सिस्टम में एयर की सहायता से पावर को ट्रांसमिटेड किया जाता है यानी पावर को स्थानांतरित किया जाता है, चाहे वो आपका हाइड्रोलिक हो चाहे आपका न्यूमेटिक हो। तो अंतर नंबर सिक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम में पावर बहुत अधिक होती है और न्यूमेटिक सिस्टम में हाइड्रोलिक की अपेक्षा है जो इसमें जो पावर जो शक्ति होती है वो बहुत ही कम होती है। तो अंतर नंबर सेवन, हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत ही हैवी एसेसरीज प्रयोग की जाती है और न्यूमेटिक सिस्टम में नॉर्मल जो एसेसरीज जो होती हैं वो प्रयोग की जाती है, यानी एसेसरीज का मतलब होता है उपसाधन। अंतर नंबर एट, हाइड्रोलिक सिस्टम में अधिक दूरी जल्दी नहीं चलाया जा सकता और न्यूमेटिक सिस्टम में जल्दी अधिक जल्दी फास्टली क्विकली आसानी से चलाया जा सकता है न्यूमेटिक सिस्टम में। अंतर नंबर नाइन, हाइड्रोलिक सिस्टम में होज असेंबलिंग का प्रयोग किया जाता है और न्यूमेटिक सिस्टम में पीवीसी जो पाइप होती है उनका प्रयोग किया जाता है। अंतर नंबर टेन, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल को कम दबाव में आगे नहीं भेजा जा सकता क्योंकि उसमें विस्कोसिटी का गुण होता है और न्यूमेटिक सिस्टम में हवा कम दबाव में भी चलाया जा सकता है, जो हवा होती है वो कम दबाव में आसानी से उसको चलाया जा सकता है। अंतर नंबर 11, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल ऑयल का दबाव अलग अलग होता है जैसे कहीं 500 और या फिर कहीं 1500 प्रेस बार से दबाया जाता है और न्यूमेटिक सिस्टम में हवा कम दबाव में चलाया जा सकता है, 5 बार या 10 बार के प्रेशर को आसानी से रिलीज या प्रेस किया जा सकता है। अंतर नंबर 12, हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाने के लिए एक मास्टर ट्रेनर की आवश्यकता पड़ती है, न्यूमेटिक जो सिस्टम होता है उसे आसानी से चलाया जा सकता है, उसमें मास्टर ट्रेनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 13 नंबर अंतर, हाइड्रोलिक सिस्टम को कभी भी चलाया जा सकता है, ठीक है ना। न्यूमेटिक को चलाने के लिए एयर कंप्रेसर जो होता है उसको पहले हमें तैयार करना पड़ेगा। तो अगला अंतर देखेंगे, 14 नंबर,
हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की हुई है, और न्यूमेटिक सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन हाइड्रोलिक की अपेक्षा उसमें नहीं है, हाइड्रोलिक में ज़्यादा है। अंतर नंबर 15, हाइड्रोलिक सिस्टम का मेंटेनेंस खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और न्यूमेटिक जो सिस्टम है उसमें मेंटेनेंस जो खर्चा है वो बहुत ही कम होता है। अंतर नंबर 16, हाइड्रोलिक सिस्टम अधिक समय तक प्रयोग न करने पर टेक्निकल कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, न्यूमेटिक सिस्टम का प्रयोग न करने पर टेक्निकल जो एरर है वो बहुत ही कम आती है। तो 17 नंबर देखेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल लकीज होने का अधिक खतरा रहता है, और न्यूमेटिक जो सिस्टम होता है इसमें एयर का जो है जो हवा है वो लकीज होने का अधिक खतरा रहता है। अंतर नंबर 18, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल लकीज होने का अधिक खतरा रहता है, और न्यूमेटिक सिस्टम में एयर जो है वो लकीज होने का भी खतरा रहता है, यानी दोनों के अंदर उसमें हाइड्रोलिक में तेल का होता है और न्यूमेटिक में हवा का होता है। अंतर नंबर 19, हाइड्रोलिक सिस्टम का बड़े सिस्टम में अधिक प्रयोग किया जाता है, न्यूमेटिक सिस्टम में बड़े और छोटे दोनों कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अंतर नंबर 20, हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप तेल ऑयल को प्रेस करता है, और न्यूमेटिक सिस्टम में एयर कंप्रेसर जो एयर को प्रेस करता है। अंतर नंबर 21, हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग करते समय सिस्टम साफ सुथरा नहीं रहता है, और न्यूमेटिक सिस्टम का प्रयोग करते समय सिस्टम पूरा है वो साफ सुथरा रहता है क्योंकि इसमें एयर प्रयोग की जाती है। अंतर नंबर 22, हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग करते करते तो खर्चा अधिक होता है, न्यूमेटिक सिस्टम का प्रयोग करते समय खर्चा है वो कम होता है क्योंकि उसके अंदर एयर है वो ऑटोमेटिक बनती है। अंतर नंबर 23, हाइड्रोलिक सिस्टम में आग लगने पर तुरंत उसको नहीं बुझाया जा सकता, न्यूमेटिक सिस्टम में आग लगने की इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है क्योंकि उसमें एयर प्रयोग होती है। अंतर नंबर 24, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल ऑयल की अधिक खपत है वो अधिक होती है, और न्यूमेटिक सिस्टम में तेल यानी ऑयल का कोई सिस्टम उसमें नहीं होता है। अंतर नंबर 25, हाइड्रोलिक सिस्टम में होज का प्रयोग ज़्यादा करने पर जल्दी करने पर खराब हो जाते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम में पीवीसी पाइप जो प्रयोग करते हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए गए हैं, आशा करता हूँ कि ये जरूर क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपकी हाइड्रोलिक टर्नर किट्स, इस किट के माध्यम से हम समझेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है। ये ब्लैक कलर की जो पाइप जो नज़र आ रही है इनको बोलते हैं होज असेंबलिंग, ठीक है। होज असेंबलिंग किसमें लगाई है, कंट्रोल वाल्व के अंदर, और ये आपको जो डबल एक्टिंग सिलेंडर है इसके ऊपर वेट लगाया गया है। वेट लगाकर ये हम चेक कर रहे हैं कि भी होज पाइप जो है इसके अंदर कितना प्रेशर आ रहा है। प्रेशर को चेक करने के लिए प्रेशर गेज यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए। उसके बाद में प्रेशर कितना रिलीज हुआ है वो भी हम प्रेशर गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये कंट्रोल वाल्व है, ये देखिए। इन वाल्व के द्वारा ही अलग अलग होज इसमें लगा दी जाती है, कैसे प्रेशर को रिलीज किया जाता है, कैसे फॉरवर्ड ऑयल को किया जाता है। ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो किट आपको जो नज़र आ रही है ये हाइड्रोलिक सिस्टम की है। नीचे ये जो ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है ये हाइड्रोलिक टैंक है, इंजीनियरिंग लाइन में इसको हाइड्रोलिक रिजर्वायर बोलते हैं। ऊपर प्रेशर गेज लगा हुआ है, एक मोटर, एक पंप लगा हुआ है। पंप क्या काम करता है, ऑयल को बड़ी क्विक गति से उठाता है और उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है, जिससे प्रेशर है वो बहुत गति से आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये देखिए पूरा जो सिस्टम है ये इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये पूरा सिस्टम हाइड्रोलिक का है। अब हम बात करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम की। न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर सबसे जो मुख्य उपकरण जो होता है वो होता है एयर कंप्रेसर। तो ये देखिए एयर कंप्रेसर है, इसके अंदर एयर को स्टोरेज किया जाता है, इसके ऊपर भी फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम है, प्रेशर गेज भी लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। प्रेशर पूरा होने के बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। तो ये सारा जो सिस्टम जो आपको जो नज़र आया ये आपका एयर प्रेशर है।
एयर कंप्रेसर जो रहेगा आपका, इसका प्रयोग न्यूमैटिक सिस्टम में किया जाता है। और ये जो न्यूमैटिक ट्रेनर किट्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि न्यूमैटिक सिस्टम कैसे काम करता है, तो इसके अंदर पीवीसी पाइप प्रयोग की जाती है और ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर था। ये कंट्रोल वाल्व लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के कंट्रोल वाल्व हैं। देखिए इनके अंदर किसी में 3 पॉइंट है, किसी में 2 पॉइंट है, किसी में 4 पॉइंट है, किसी में 5 पॉइंट है। तो इसके लिए देखिए 2x3 है, 3x4 है या 3x5 है, इस तरह के कंट्रोल वाल्व। ये देखिए आप प्रेशर गेज भी लगा हुआ है, कितने प्रेशर से एयर आ रही है, ठीक है ना। तो हर जगह इसमें प्रेशर गेज का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये देखिए हमें रिले सेक्शन है, पुश बटन जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी इसको एयर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पूरा ये न्यूमैटिक सिस्टम के अंदर एयर से सिस्टम ये चलता है। तो अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया है, इसमें दो ही सिस्टम होते हैं। हाइड्रोलिक एंड न्यूमैटिक के बारे में पूरा हमने डिफरेंस देख लिए हैं। और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।